If you're thinking about hotel management, this is the video for you. So in this video, I'll tell you how to crack any exam of hotel management. See, in fact, our result speaks in volumes, and you can see, you can just take a glance of the रिजल्ट कि जो जो बच्चे हमारे एग्जाम्स में क्वालिफाई किए हुए हैं ये सिर्फ 2021 का रिजल्ट है और आप देख सकते हो कि IHM पूसा, IHM मुंबई और IHM बैंगलोर ये तो सिर्फ तीन नाम है लेकिन अगर इन ऑल की बात किया जाए कि टोटल रिजल्ट हमने कितने दिए हुए हैं सो 300 प्लस सिलेक्शन था सेंट्रल IHMs में जितने भी अक्रॉस इंडिया जितने भी फेमस IHMs हैं उसमें सिलेक्शन 300 प्लस था चाहे आप लखनऊ की बात कर लो जोधपुर की बात कर लो जो टॉप फाइव है आपका दिल्ली मुंबई कोलकाता ये तो है ही ऑब्वियसली इसमें यही नहीं सिर्फ स्टेट IHMs की अगर बात किया जाए तो 550 प्लस सिलेक्शन है हमारे और ये इसके अलावा क्राइस्ट सिम्बोसिस BHMCT ये बड़े नाम माने जाते हैं HM में इनमें भी सिलेक्शंस हैं 60 प्लस सिलेक्शंस आप देख सकते हो IPU में देख सकते हो और आप सिम्बोसिस में भी देख सकते हो इसका रीजन है अगर आप HM के बारे में सोच रहे हो सो वी आर नॉट गुड वी आर द बेस्ट लेट्स सी सम मोर थिंग्स अब मैटर ये करता है कि आखिर इन बच्चों ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई या कौन से वो फॉर्मूलाज हैं जिसके बेसिस पर इन्होंने रैंक क्वालिफाई किया सेम फॉर्मूला के बेस पर आप भी ये एग्जाम बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हो सो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और ये पार्ट तो डेफिनेटली आपको देखना ही देखना है अगर आप चाहते हो कि HM का एग्जाम क्वालिफाई करना है मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता दे रहा हूं जिनके बेसिस पर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो और ये वो चीजें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स को सो हमारा जो टीचिंग आवर्स होता है वो 500 to 550 आवर्स का टीचिंग आवर्स होता है अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस वी टेक ऑन YouTube इसके अलावा लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है हमारी ये सारी की सारी क्लासेस आपको डिजिटल इंटरैक्टिव बोर्ड पे मिलती है जो कि ट्रेडिशनल पेन और बोर्ड वाला नहीं है और ये टाइम बहुत ज्यादा सेव करता है और हम यहाँ इंटरनेट का एक्सेस भी आपको मिल जाता है सटल लर्निंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सटल लर्निंग इफर्टलेस लर्निंग है बिना किसी प्रयास के आपको मजा आता है और आप खुद से सीखना चाहते हो फिर एक होता है 360 डिग्री एंगेजमेंट मैकेनिज्म हम कहते भी हैं लेट द नॉलेज कम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन वही चीज है कि नॉलेज जहां से आता है हम आपको 360 डिग्री 24/7 एंगेज रखते हैं लर्निंग प्रोसेस में यू आर अ लर्नर आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है आपको एग्जाम टॉप करना है तो हम आपको ऐसा अप्रोच देते हैं कि कुछ ना कुछ आप सीखते रहो हमेशा सीखते रहो फिर सेपरेट डाउट क्लासेस होती हैं आप जब हमारे साथ जुड़ते हो फिर आप देखो हम इस एग्जाम का ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं यानी आपका जो भी एग्जाम है उस एग्जाम के लिए एक ओरिएंटेड अप्रोच होगा यानी लगभग आपको क्लासेस के अलावा 7,000 to 8,000 क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर एग्जाम का आपको हम करवाते हैं अगर आप देखो तो स्टडी प्लानर और कोर्स प्लानर जो कि यूनिक है ये हमारे अलावा आपको कोई नहीं देता हर एग्जाम का स्टडी प्लानर अलग होता है कोर्स प्लानर अलग होता है जो कि आपको बहुत बहुत बेनिफिट देगा ये चीजें आप तब एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप ज्वाइन करते हो या आप हमारे से काउंसलिंग लेते हो हमारे पर्सनल एग्जाम स्ट्रेटजी होती है 1-to-1 एग्जाम स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते हैं जो हमारी टीम है वो हर बच्चे का एनालाइज करने के बाद उनका एग्जाम स्ट्रेटजी तय करती है और आपका टारगेट सेट करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको रखनी है मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज कंप्लीट मॉक टेस्ट होता है क्वेश्चन बैंक हमारा 3 डिफरेंट लेयर्स में होता है L1 L2 L3 के लेवल में होता है एक्सक्लूसिव नोट्स होते हैं HM के रिगार्डिंग और स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाता है सो अगर आपको लगता है कि आप भी उस लिस्ट में आना चाहते हो जहां हम आपके नाम की चर्चा करें आपका रिजल्ट डिस्प्ले करें और बहुत प्राउडली अनाउंस करें कि आप भी IHM मुंबई में हो क्राइस्ट क्वालिफाई किया है दिल्ली में हो आप कोलकाता में हो आप तो इसके लिए आपको सिर्फ वन स्टेप करना है वो वन स्टेप क्या है आपकी फोटो अगली बार यहां हो सकती है आप भी आप में से कोई भी हो सकता है जो भी आपका डिजायर्ड कॉलेज हो आप सेंट्रल HM टारगेट कर रहे हो क्राइस्ट टारगेट कर रहे हो सिम्बोसिस टारगेट कर रहे हो सो उनके लिए आपको सिर्फ करना है कि इस गिवन नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है एक कंप्लीट काउंसलिंग हमारे साथ लेनी है और आपकी फोटो अगली बार यहां दिखाई देगी और मैं शायद आपको इलैबोरेट करूंगा कि किस तरह से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है अब हम उस बारे में जानते हैं जिस एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं उस एग्जाम के बारे में जानते हैं हम बात कर रहे हैं NCHMCT की नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें जो ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं कि इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ एक ऑटोनोमस एग्जाम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में जो BSc इन हॉस्पिटैलिटी
और बीएससी इन होटल एडमिनिस्ट्रेशन कराता है। इसमें देखो आप बीएससी इन एच और बीएससी इन एचएम करते हैं, इसमें से टोटल 21 सेंट्रल आईएचएम्स हैं जो कि इंक्लूड करता है आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया जो प्रेस्टिजियस है, फिर 25 स्टेट गवर्नमेंट आईएचएम्स है, 1 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और 25 प्राइवेट आईएचएम्स है। ये नंबर थोड़ा वैरी भी कर सकते हैं। टोटल पूरे एग्जाम का नाम होता है एनसीएचएमसीटीजेई यानी नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो कि जितने भी आईएचएम्स हैं पूरे इंडिया में उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट ये कंडक्ट करता है। कौन कंडक्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कंडक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि क्या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। सो बेसिकली इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, लेकिन दो लोग इसके लिए अपीयर करते हैं, एक वो जो 12th पास आउट हो चुके हैं, दूसरे ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत से लोग इसको अप्लाई करते हैं। सो 12th वाले बच्चे भी और ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी दोनों के लिए कॉमन पेपर होता है और दोनों ही बच्चे हमारे पास आते हैं तैयारी करने के लिए। सो 10+2 यानी आपने सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम दे रखा है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। आपकी एज अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 22 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी जो 1 जुलाई 2022 होता है उस तक आपकी एज 22 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। और कभी भी किसी भी क्वेरीज के लिए, काउंसलिंग के लिए आप इस गिवन नंबर पर पहुंच सकते हो हमारे पास, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है, जिसमें से आप देखोगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस 30 होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस 30 होंगे, जीके और करंट अफेयर के 30 होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जिसके 60 होंगे, यानी 30% वेटेज अकेले इंग्लिश का हो जाता है, एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर जो कि ईजिएस्ट सेक्शन होता है इसका, इसके 50 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं इस पेपर में, 3 घंटे का ये पेपर होता है, 180 मिनट या 3 घंटे का पेपर होता है और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो लगभग 800 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें से अच्छा स्कोर ये माना जाता है अगर आपने लगभग 70-75% क्वेश्चन सही किए हुए हैं, इतना स्कोर है आपका, तो आप ये लगा लो कि मल्टीप्लाइड बाई अगर निकालोगे तो 560 से 600 के बीच का एक टॉप नॉट स्कोर माना जाता है, जिसमें से आप टॉप आईएचएम्स के बारे में आप सोच सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके टॉप 5 कॉलेजेस की। इसमें सबसे पहले हम रखते हैं पूसा को, मुंबई को, कुछ लोग इसमें 3rd नंबर पे कोलकाता भी रखते हैं या मुंबई भी रखते हैं, वो आपकी चॉइस है क्या रखना चाहते हो। बाकी बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई है, लखनऊ है, सारे अच्छे ही काउंट होते हैं, ये सारे के सारे सेंट्रल आईएचएम्स होते हैं। जो टॉप 5 आईएचएम्स की हम बात करें 21 आईएचएम्स पे, जिसमें सब में हमारे पास बच्चे हैं, अगर आप ज्वाइन करोगे तो सब में हमारे आपको एलुमनाई आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा क्या क्या करियर है इस बारे में भी आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या करियर है। आपका जो करियर होता है होटल में है, स्पास में या रिजॉर्ट्स में आपका करियर बन सकता है, रेस्टोरेंट में, क्लब्स में, बास में, एयरलाइन किचन में। और एक चीज मैं बता दूं कि इस पीपीटी को लेने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके ये इन्फॉर्मेशन सारी हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो क्या क्या करियर एवेन्यूज है वो आप वहां से भी देख सकते हो। लेकिन बहुत अच्छा करियर है, आप एकदम निश्चिंत रहें, टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो आपका एचएम का करियर बिल्कुल सेफ है और बहुत अच्छा करियर है। और फॉरेन जाने के भी चांसेस रहते हैं, तो क्रूज स्पास में भी आपको हो सकता है, क्रूज लाइन में सबसे अच्छी सैलरी मिलती है, फास्ट फूड चेन्स में आप एज ए मैनेजर काम कर सकते हो। इसके अलावा जो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में भी आपकी जॉब लग सकती है, वहां पर जो गवर्नमेंट जॉब कैटरर की जॉब जो होती है, जो कुक की जॉब होती है, वो गवर्नमेंट जॉब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप इन पूरे जो हमारी पीपीटीज है आप इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इसका पूरा पढ़ सकते हैं क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि आप अक्सर ये सोचते हो कि क्या मेरा करियर सेफ है या नहीं सेफ है एचएम के बाद, क्या सैलरी मुझे मिलेगी इस कोर्स को करने के बाद। सो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, अगर आप टॉप 5 आईएचएम्स के लिए प्लान कर रहे हो तो तुरंत हमारे साथ जुड़ जाओ, तुरंत इस गिवन नंबर पर कॉल कर लो जो 987333 नंबर है, इस पे तुरंत आप कॉल कर लो और एक बिल्कुल सेफ करियर ऑप्शन है ये आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल सेफ करियर ऑप्शन है। सो टॉप 5 आईएचएम्स अगर आप प्लान कर रहे हो तो जी हाँ, यही वीडियो है आपको जो टॉप 5 एचएम्स दिलवा सकती है, या यही कोचिंग सेंटर है जो आपको टॉप 5 एचएम्स दिलवा सकती है। जहां पे हम सैलरी की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज देखो आपका लगभग इन हैंड पैकेज की अगर मैं 50 की बात कर रहे हैं ये, तो लगभग 7-8 लाख का एवरेज पैकेज चला जाता है, हाईएस्ट पैकेज चला जाता है, एवरेज पैकेज भी 4-5 चला जाता है और जो लोएस्ट पैकेज भी जाता है वो भी 3-3.5 के आसपास का जाता है। और सबसे बड़ी बात की जो परसेंटेज आप देख रहे हो 100% प्लेसमेंट है टॉप 5 आईएचएम्स की। So, एक बेहतरीन और गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जब आप एचएम होटल मैनेजमेंट करते हो, और कहां से करते हो ये इंपॉर्टेंट है, और उन अच्छी जगह से जुड़ने के लिए अच्छी कोचिंग सेंटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो ऑफर और जो अपॉर्चुनिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमने मेथोडोलॉजी बताई हुई है, एक यूनिक चीजें हैं जिससे आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। सो अगर आप चाहे सेंट्रल आईएचएम्स की बात करूं, मैं एनसीएचएम की बात करूं, क्राइस्ट की बात करूं, सिम्बोसिस की बात करूं,
या BHMCT की बात करूं, सो इन किसी भी होटल मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके फ्री काउंसलिंग ले सकते हो और तुरंत के तुरंत हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई। थैंक यू सो मच।